अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा तीसरा व्लॉग है और ये भी व्लॉग हमारा पोको के रिलेटिव भी है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फेस किया और सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जैसे कि मैंने किया। तो फाइनली फ़ोन तो हमें रिसीव भी हो गया और फ़ोन ठीक भी हो गया। तो गाइस, खुशी की बात यह है कि फ़ोन हमें 4 दिन के अंदर ही मिल गया। वो कैसे मिला? बिकॉज ये मेरी सिम किट और सिम इसी के अंदर ही रह गई थी जो कि हम रिसीव करना भूल गए थे। तो गाइस, मैंने उसी बिहाफ में मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी सिम और सिम किट इसमें ही रह गए। तो उनका मैसेज आया कि भाई आपका फ़ोन रिपेयर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आप आकर सर्विस सेंटर से रिसीव कर लें। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि यार 4 दिन के अंदर ही फ़ोन ठीक हो गया। तो गाइस, मैं फ़ोन लेने चला गया। मुझे बस टेंशन इस बात की थी कि जो सिम किट है वो गुम ना हो जाए। सिम किट ना गुम होती, सिम बेशक गुम हो जाती तो उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन सिम किट ना गुम होती क्योंकि इसकी एक जेन्युइन सिम किट है। तो गाइज, उन्होंने हमें फ़ोन दे दिया, फाइनली बिल्कुल ठीक चल रहा है। और 90% वो लोग थे जिनका फ़ोन डेड था, ठीक है, ये फ़ोन 90% लोगों का डेड हो रहा है। तो बहुत से मैंने वहाँ पर लोग देखे जो फ़ोन लेकर आ रहे हैं और उनके फ़ोन जो है डेड थे। तो गाइज़, मुझे इस फ़ोन ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो मैं इस शक में नहीं हूँ कि ये फ़ोन कोई और भी ले, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए ताकि आप भी ये वीडियो देख के थोड़ा चुकन्ना हो जाए। तो गाइस, उन्होंने IMEI चेंज कर दिया। पहला जो हमारा IMEI था वो डिफरेंट था और जो अब IMEI है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने बोर्ड चेंज कर दिया। तो गाइस, मैं पोको के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप इतना पर्सनल डाटा इसके अंदर मौजूद हो, फिर डेड होने के बाद सारा डाटा रिमूव हो जाए तो फिर रिकवर ना हो, तो बहुत इरिटेट करने वाली बात है। गाइस, बात यह है कि मेरा फ़ोन तो 4 महीने के बाद ख़राब हुआ है, तो मैंने रिपेयर करवा लिया। गारंटी तो सिर्फ साल की होती है। अगर आपका फ़ोन साल के बाद ख़राब हो जाता तो आप कुछ नहीं कर सकते, लोकल मार्केट जाके आपको सही करवाना पड़ता और उल्टा पैसे देने पड़ते और जेन्युइन चीज़ भी नहीं लगनी थी। तो गाइस, इसलिए मैंने आपको अवेयर किया है। पोको के बहुत से फ़ोन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन पोको M3 जो है उसमें बहुत फॉल्ट है। लेकिन मैं आपको यही अवेयर करूंगा कि आप ये फ़ोन ना खरीदें। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो कि ये फ़ोन खरीदने जा रहे हैं। अपने भाई को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।